हाय दोस्तों, संगू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चंडिका माता मंदिर दर्शन करने। बहुत ही पुरानी मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। बहुत ही ज़्यादा पुरानी, 40 किलोमीटर है लखनऊ से। ये हम पहुंच गए यहाँ। बहुत आपको दुकानें, काफ़ी दुकानें, काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। लोग अपने अपने दुकानों में बुलाते रहते हैं, मेरी दुकान में ऐसे सामान लीजिए, हर तरह के सामान, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। पूजा करने जा रहे हैं हम। यहाँ नारियल वगैरह नहीं चढ़ता, यहाँ प्रसाद ही चढ़ता है। यहाँ मेवा चढ़ता है, मेवे के प्रसाद चढ़ते हैं मैक्सिमम। ये देखिए सब कैसे बोले, हमारे यहाँ ही, हमारे यहाँ से प्रसाद लीजिए। ये हम गए आगे, ये देखिए यहाँ भी फूलों की दुकान, भीड़ लगी हुई है। 2 बजे खुलेगा, सुबह की पूजा हो गई है, अभी इसके बंद हो जाता है, उसके बाद 2 बजे खुलता है। लाइन पे लग गए हैं, 1:30 बज रहे हैं अभी, आधा घंटे के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है इसके बाद। लाइन पे खड़ी, देखिए यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो चढ़ाते हैं, घंटिया चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए लाइन पे खड़े हैं हम दर्शन के लिए। खुलेगा 2 बजे, पहुँचने वाले, खुल गया है अब। ये देखिए वो करने लगे हैं, पूजा करते हैं। आप लोग भी आइए कभी, यहाँ शक्ति पीठ है, बोलते सिद्धि पीठ है ये मंदिर। ज्वालती माता बनी हुई है एकदम पत्थर पे ही, अलग से नहीं बैठा रखा है, दीवार पे ही माता का फोटो बनी हुई है, क्योंकि दीवार में ही शायद उत्पन्न हुई थी, इसीलिए यहाँ पे भंडारे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आप फ्री में खाना वगैरह सब हमेशा रहता है, और उठने की भी व्यवस्था है, कभी रात हो जाए आप उठ भी सकते हैं। आश्रम में अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे, हम तो वापस आ गए थे, लेकिन सब चीज़ की व्यवस्था है। पास में ही मंदिर के पास में ही, बगल में ही है, खाने का है, खाइए घर पे। इसलिए यहाँ आपको गर्मी रुकना है, दर्शन करना है, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, दान पेटी कर सकते हैं, लेकिन नहीं इच्छा है तो नहीं भी दे सकते। हमने दर्शन किया दूर से, अब हम जाते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर भी है एकदम नदी के बीचों बीच में, बड़े से शिव जी की बनी हुई है। ये देखिए तालाब है, इसी के बीचों बीच में शिव जी की बनी हुई है। शिव जी की भी दर्शन करते हैं, यहीं पर बने हुए हैं। बहुत संभल के जाना पड़ता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ से पानी है, खुला भी है, बंद एकदम से नहीं कर रखा है, बस छोटा सा बना रखा है पुल जैसे जाने के लिए शिव जी के मंदिर के लिए। हम जाते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं, आप लोग भी कभी आइए यहाँ, अच्छा होता है। ये देखिए इधर भी सब मिल जाते हैं आपको, प्रसाद वगैरह अंदर भी, बाहर से नहीं भी लाए तो। देखिए शिव मंदिर जाने के लिए बस यही इतनी सी पुल बना रखी है, तो ध्यान से एक साइड लगा रखा है, एक साइड खाली ही है, डर लगता है बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए बच्चों का बहुत ध्यान रखना हुआ है। देखिए बच्चों के गिरने जैसे, बच्चे देखने की कोशिश करते हैं ना, क्या है क्या है। ये शिव जी का है, यहाँ भी आइए दर्शन करिए, आप महाशिवरात्रि को भी यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करते हैं, भीड़ बहुत हो रही है, इसलिए बच्चों के साथ है, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, डर लगता है, काफ़ी गहरा है पानी। जय भोले बाबा, शिव जी के भी दर्शन हो गए हमारे, आप लोग भी करिए आके, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। सीताराम सीताराम, यहाँ बोलते हैं अमावस्या के दिन आइए, अच्छी व्यवस्था रहती है, अच्छी पूजा पाठ वहाँ, उसमें माता की से जो मांगो वो मिल जाता है। अभी तो ऐसे ही गए थे, वहाँ पंडित जी बता रहे थे यहाँ आने में उस दिन सारी इच्छा पूरी होती है। देखिए यहाँ पे बैठे रहते हैं ये सांप लेके बाबा लोग, जिनके से थोड़ा दूर ही दूर रहिएगा, बल्कि उनको दीजिए, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो बुढ़े हो गए हैं उनको देना चाहिए। देखिए यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, शक्ति पीठ ही इसको भी बताते हैं। यहाँ भी हम दर्शन करते हैं, फिर घर को निकलते हैं। ओके बाय, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, बाय।